हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज 3 मार्च 2023 के लिए हमने यहाँ पे टॉप मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस प्रोवाइड की है करंट अफेयर के। सो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डेली करंट अफेयर के दोस्त। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन वन, हाल ही में बिल गेट्स ने किसके साथ मुलाकात की है? सो हाल ही में भारत के दौरे पर आए माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स हाल ही में टाटा सन्स के रतन टाटा को हाल ही में बिल गेट्स ने मुलाकात की है और रतन टाटा के साथ टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन बिल गेट्स ने रतन टाटा और टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरम के साथ हाल ही में मुलाकात की है और इस मुलाकात में बिल गेट्स और रतन टाटा के बीच में यहाँ पे बिल गेट्स ने रतन टाटा की तारीफ और उसके परोपकारी कार्यों के लिए बातचीत की। सो हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स रतन टाटा और उसके टाटा सन्स के चेयरमैन के साथ मुलाकात की। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन है। क्वेश्चन टू, भारत की बेरोजगारी दर अनएम्प्लॉयमेंट रेट फरवरी 2023 में बढ़कर कितने परसेंटेज हुई? सो हाल ही में CMI के एक रिपोर्ट के मुताबिक CMI मीन्स सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक की मॉनिटरिंग ये CMI द्वारा होती है और CMI ने हाल ही में अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि बेरोजगारी दर दर का रिपोर्ट पेश किया है फरवरी का। सो फर्स्ट हम जान लेते हैं 2023 में स्टार्टिंग में। सो फर्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट जनवरी 2023 में जनवरी में 7.14% था वो अब फरवरी में बढ़कर यहाँ पे फरवरी 2023 में बढ़कर 7.45% हो गया है। यानी कि जनवरी से फरवरी तक यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी दर इंक्रीज हुआ है और शहरी इलाकों में अर्बन एरिया में ये रेट जनवरी में 8.55 का था जो घटा है वो 7.93% हो गया है। यानी कि अर्बन एरिया में शहरी विस्तारों में अनएम्प्लॉयमेंट दर में गिरावट आई है फरवरी में और रूरल एरिया यानी कि गांव में जनवरी में 6.48% का रेट था अनएम्प्लॉयमेंट का वो अब इंक्रीज होके यहाँ पे 7.23% हो गया है। सो ये सब रिपोर्ट CMI सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी में हाल ही में फरवरी 2023 का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जारी किया है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर टू है। क्वेश्चन थ्री, हाल ही में किस सरकार ने महिलाओं के लिए साधारण रोडवेज बसों के लिए किराए के लिए 50% की छूट की है? सो हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट ने महिलाओं के साधारण रोडवेज बसों के किरायों पर पहले 30% की छूट थी। यानी कि राजस्थान की कोई भी महिला बस में जाती है तो 30% की उसे छूट मिलती है वो अब बढ़ाकर हाल ही में 15% का रेट कर दिया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। और हाल ही में जो 8 मार्च आ रही है, 8 मार्च को वुमन्स डे पर राजस्थान गवर्नमेंट ने फ्री ट्रैवल फ्रॉम वुमन्स एंड गर्ल्स किया है। 8 मार्च को कोई भी राजस्थानी महिला बसों में
कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा और फ्री ट्रैवलिंग कर सकती है। और हाल ही में जो किराए का रेट है रोडवेज बसों का, वो 15% की छूट कर दी है राजस्थान गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिए। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 4, हाल ही में यूनिकॉर्न स्टार्टअप, नो ब्रोकर, ने गूगल से हाल ही में कितने जुटाए। सो हाल ही में यूनिकॉर्न स्टार्टअप नो ब्रोकर, हाल ही में सीरीज ए फंडिंग राउंड में, फंडिंग राइज की थी, उस राउंड में गूगल ने 5 मिलियन, यानी कि इंडियन करेंसी में हम कन्वर्ट करें तो यहाँ पे 41 करोड़ की फंडिंग नो ब्रोकर्स को दी है। और गूगल नो ब्रोकर्स के अन्य इन्वेस्टर्स जनरल एटलांटिक, टाइगर ग्लोबल और मूर स्ट्रेटेजिक वेंचर्स, ये 3 पहले से ही नो ब्रोकर के इन्वेस्टर्स है, यानी कि इन तीनों कंपनी ने नो ब्रोकर पर इन्वेस्ट किया था। अब चौथे इन्वेस्टर यहाँ पे गूगल आ गए हैं नो ब्रोकर का, जिसने 5 मिलियन का इन्वेस्ट किया है इस पर, 41 करोड़ का करीब। और नो ब्रोकर 2021 में, 2021 में 1 बिलियन की वैल्यूएशन पर, 1 बिलियन की वैल्यूएशन पर उन्हें नो ब्रोकर ने 210 मिलियन जुटाए थे। और उसके बाद ये एक यूनिकॉर्न, कंपनी बन गई थी। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 5, हाल ही में किस देश ने हॉलीवुड फिल्म, देखने पर बच्चों पर होगी 5 साल की पांच साल की जेल। सो हाल ही में साउथ कोरिया, में ये नियम और ये ऐलान किया है कि हॉलीवुड फिल्म देखते हुए कोई भी बच्चा पकड़ा जाता है तो उसको 5 साल की सजा होगी, और उनके उस बच्चों के माता पिता को और इस और जो बच्चा पकड़ा गया उसके पेरेंट्स को, लेबर जोन में डाला जाएगा, और 5 साल की सजा इन बच्चों को मिलेगी, यानी कि साउथ कोरिया में कोई भी हॉलीवुड फिल्म नहीं दे सकता। सो ये हाल ही में ऐलान किया है साउथ कोरिया की सरकार ने। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है।